आप हैं हमारे साथ में जाने माने लेखक और लेखक संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी श्रीमान हीरालाल राजस्थानी जी, जो पूरे समाज में बहुत बेहतरीन योगदान देते हैं और बहुत बेहतरीन अपनी मेहनत से कामयाब करते रहते हैं। हर साल में इनकी 12 बैठकें होती हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा बैठकें लेखकों की होती हैं। आप टीम 22 भी फॉलो करते हैं, देखते हैं चैनल, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको टीम 22 चैनल में क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा। टीम 22 जो चैनल है, मैं कई महीनों से देख रहा हूँ, और इसमें एक तो जो बुद्ध की जिस तरह से उनकी जो चीज़ें हैं, वे चीज़ें जो हम जानते नहीं हैं त्योहारों के बारे में, उनकी जो है पाली भाषा में जो लिखा गया उसके बारे में, तो सुधीर जी जो है इसमें एक डिटेलिंग वाला जो काम करते हैं, उस डिटेलिंग वाले काम में एक जो समग्र जानकारी जो होती है वो इसी टीम 20 में मिलती है। और इसको जितना जो है मैं देखता हूँ, उतने जो है विचार जो है मन के अंदर जो है आते हैं, वो शांत हो जाते हैं। और जब शांत कोई विचार बनते हैं तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ आपको प्रॉपर रूप से और विस्तार रूप से जो है मिल रही है, और ये कामयाबी है इस चैनल की। और क्या देखना चाहेंगे कि अगर कोई इसमें ऐसा लगे कि इम्प्रूवमेंट करना है, या कोई कमी है, या आपको लगता है कि इसमें अभी कुछ ऐसा जुड़ना चाहिए, तो वो क्या चीज़ होगी, क्योंकि आप तो जाने माने लेखक हैं और साहित्य को अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाँ, इसमें जुड़ने वाली बात तो खैर सुधीर जी आप जो है कर ही रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस चैनल को जितना हम जो है लोगों तक पहुँचाएँ और वहाँ से जो है प्रतिक्रियाएँ आएँ, वो प्रतिक्रियाएँ जो हैं इसमें जुड़नी चाहिए, ताकि जो है इसकी अहमियत का पता लगे। और जब किसी चीज़ की अहमियत का मालूम पड़ता है, तभी उस चीज़ की प्रासंगिकता का भी मालूम पड़ता है कि ये कितना प्रासंगिक है आज के जो है दौर में, आज के समय में। और ये जो चैनल है, आज बुद्ध को जो है यहाँ स्थापित करने वाली जो बात है, वो चैनल बखूबी कर ही रहा है। आपका भी एक कविताओं का चैनल आने की तैयारी है, आपको क्या लगता है कि कविताओं का चैनल है उसका क्या मारक क्षमता रहेगी और वो कैसा होना चाहिए, और कैसी तैयारी आपकी चल रही है? अजी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं भी इस जो है बारे में सोचता था, तो जब आपसे बात हुई तो उसमें यही था कि हमारे जो चीज़ें हैं वो इस तरह से जो मतलब ऑनलाइन में आती भी हैं तो ऐसे छिटक छिटक के आती हैं, कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, प्रॉपर जो है उसकी देख रेख नहीं है, उसकी जो आउटपुट और इनपुट नहीं है, उसकी जो है बैकग्राउंड जो है नहीं निकल के आती है। तो हमने देखा कि इस तरह का जो साहित्य का जो चैनल बने, और उसमें साहित्य, दलित साहित्य में क्या क्या हुआ है, क्या हम चाहते हैं, उसकी जो है पूरी की पूरी जो परिभाषाएं हैं और उसका जो कंटेंट है, वो जो है मतलब उस चैनल में जो होना चाहिए, ताकि हमारे जो नए लिखने वाले हैं वे भ्रमित ना हों, क्योंकि भ्रमित करने की चीज़ें जो बहुत फैल रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि भ्रमित को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि दलित साहित्य के नाम पर किस तरह से गाली गलोच परोसा जा रहा है ना, वो जो गाली गलोच है जब गांव देहात में कोई पढ़ता है तो उसको जो है वो पॉजिटिव रूप में तो लेगा नहीं, और जो वह गांव देहात में आपका दलित भाई है जो आपकी रचनाओं को पढ़ता भी नहीं है, वो भड़ास सारी सीधा उसी पर निकलती है कि तुम हमारे लिए ये करोगे लो पकड़ो। तो वो जो गाली गलोच का कभी भी पॉजिटिवली जो है इफ़ेक्ट समाज के सामने नहीं आता है। तो हमें अपनी बात करनी है, हमें अपना जो एक उद्देश्य है उसको जो है लोगों के सामने रखना है, ताकि जो है वो उद्देश्य समाज को बदलने में काम आए। कैसा लगता है आपको कि आज की डेट में जो डिजिटल बुक आ गई हैं, वीडियो बुक आ गई हैं, बहुजन बुक आ गई हैं डिजिटल, और जो प्रिंट हैं, उनमें कितना कंपटीशन है और कौन जीतेगा और क्या करना चाहिए? हाँ, जीतने की तो खैर बात क्या, लेकिन जो है ये ज़रूर है कि डिजिटल जो युग आ गया है, तो एक क्लिक में जो है आपके सामने किताब खुल जाती है और ख़रीदी भी जा सकती हैं, मेंबर भी बना जा सकता है। अब जो प्रिंट किताबें हैं उनका अपना एक जो है एक अहमियत है, साज सज्जा के रूप में आजकल लोग सजाने लगे हैं, पढ़ता तो खैर कितना है, लेकिन जो डिजिटल है वो पढ़ने के लिए खोली जाती हैं, और वो जो है एक क्लिक में जो है पूरे संसार में फैल रही हैं। तो आपको जो है इतना मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है इसके लिए कि मेरी किताब जो है वहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, हमारी बात वहाँ पर पहुँचे या ना पहुँचे। तो डिजिटल तो आज के समय की मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।